हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद राहत उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये दो तरह का नाश्ता जिसे आप शाम की चाय के साथ बना सकते हैं और एक नाश्ता आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं तो बहुत झटपट बन जाता है तो ये वाला जो नाश्ता है हम शाम के चाय से इन्जॉय करेंगे तो यहाँ देखिए मैंने बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं और इन्हें मैंने टुकड़ों में काट लिया है और इसमें ऐड करेंगे हम सबसे पहले नमक नमक आप अपने हिसाब से ऐड करें मैंने आधा चम्मच ऐड किया है थोड़ी सी डालेंगे हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने कूट लिया था वो डाला है चाट मसाला डाला है आधा चम्मच आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें फूड कलर आप अगर इसमें फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं फूड कलर से इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा इसलिए मैंने ऐड किया है एक चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें कॉनफ्लावर इससे क्रिस्पीनेस आएगा और इसकी कोटिंग हो जाएगी अच्छे से पानी इसमें हमें नहीं ऐड करना है ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा मारकर इसे मिक्स कर लेंगे तो मैंने यहाँ चार से पाँच बूंद के करीब भी पानी हाथ पे लिया था और उसे मिक्स कर लिया था तो देखिए यहाँ देखिए जरा सा ही पानी लिया है मैंने इस तरीके से और इसे इस तरीके से फिर से मिक्स करेंगे तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है तेल अच्छे से गर्म हो चुका है हमने मसाला भी अच्छे से आलूओं पर लगा लिया है डालते हैं तेल के अंदर तो देखिए कितने अच्छे से तेल मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है आलू जो है पहले ही पके हुए हैं बॉईल हुए हुए हैं तो इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत झटपट ये नाश्ता बन जाता है तो बस इसे डालेंगे गर्म गर्म तेल में और इन्हें हम जब तक सेक लेंगे जब तक इनमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते अब देखिए यहाँ ये क्रिस्पी हो चुके हैं इनमें कलर भी अच्छा सा आ चुका है इन्हें निकाल लेते हैं करते हैं इनकी प्लेटिंग और लीजिए यहाँ तैयार है आलू इस पर डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी और इसमें डालेंगे हम इमली वाली मीठी खट्टी मीठी चटनी तो आप अपने हिसाब से चटपटा कर सकते हैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं मैंने चाट मसाला अंदर ऐड किया है तो मैंने ऊपर से नहीं डाला है छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्ची कर सकते हैं ऊपर से देखिए थोड़ी सी मैंने सजा दी है प्लेट को भी इमली की चटनी से और इस तरीके से आप इंजॉय करें बच्चों को बना के दें खुद भी खाएँ घर में आए हो मेहमान उनके सामने भी सर्व करें शाम के चाट से बहुत अच्छे लगते हैं ये इस तरीके से बने हुए आलू आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें लहसन और प्याज का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया है और ग्रीन जो चटनी है ना उसमें भी लहसन नहीं था बस इस तरीके से बनाए इंजॉय करें मैंने दो रेसिपी बनाई थी मेरी एक रेसिपी बन चुकी है अब बनाते हैं हम दूसरी रेसिपी जो आप सुबह के झटपट भाग दौड़ में उस नाश्ते को बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ तो बस ये आप इंजॉय करें बनाते हैं जल्दी से दूसरी वीडियो अपनी यहाँ देखिए मैंने दूसरी रेसिपी के लिए लिया है एक कटोरी बेसन और इस बेसन से बनने वाले हैं चीले बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सूजी तो सूजी बारीक वाली ऐड करेंगे इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ना पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे तो बस इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए इस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और तो थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इसे हम घोल बनाकर रेडी कर लेंगे और अभी तक तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बटन को ज़रूर दबा लें आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं अपने कमेंट अपने राय वहाँ दे सकते हैं तो देखिए गोल मैंने रेडी कर लिया है कुछ देर के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी क्योंकि सूजी बेसन अच्छे से फूल जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे तो बस इसे ढक देते हैं और इसे हम तकरीबन दस से पाँच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अब यहाँ देखिए बेसन को तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे 10 मिनट बाद मैंने जब देखा तो अच्छे से सूजी और बेसन फूल चुके हैं और गाढ़े भी अच्छे से हो चुके हैं यहाँ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ अपने मनपसंद का कट कर ली हैं जो मेरे पास इस टाइम थी तो यहाँ हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं मोटी मोटी काट कर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बच्चे के डालें जितना बच्चा तीखा खाता है या अपने हिसाब से इसमें तीखा डाल सकते हैं तो कटी हुई हरी मिर्च कटी हुई बारीक शिमला मिर्च एक कटा हुआ टमाटर और साथ में ही ऐड करेंगे हम ये कद्दूकस की हुई लौकी मेरे पास आधी लौकी रखी थी उसे मैंने कद्दूकस करके इसमें ऐड किया है तो ये जो चीला है ना हेल्दी भी बहुत बनने वाला है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है एक प्याज को भी मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा इसे मसल लेंगे तब ऐड करेंगे और बस इन सब्ज़ियों को अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़े से डालेंगे मसाले जिसमें हम डालेंगे दो चुटकी हींग हींग से बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हींग ज़रूर ऐड करें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच मैं अजवैन डाल रही हूँ अजवैन का इसमें फ़्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है चीले में और हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है आधा चुटकी मैंने डाली है इसमें सोडा और मैंने देखिए हाँ एक चम्मच डाला है इसमें पिसा हुआ जीरा का पाउडर तो ये कैमरा बंद पता नहीं कैसे हो गया था जो ये कैप्चर नहीं हो पाया तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लगने लगा है तो अभी इसमें हल्का सा पानी मैंने और ऐड किया है और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे देखिए तो तीन से चार चम्मच पानी डाला है ज़्यादा नहीं ऐड किया है बस इतना गाढ़ा ये होना चाहिए जितना आपको ये नज़र आ रहा है इस तरीके से चमे पर सा होना चाहिए ज़्यादा पतला कर लेंगे तो फैल जाएगा और फिर चीले भी नहीं बन पाएंगे तो बस इतना गाढ़ा ये होना चाहिए तो बस हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसे बनाते हैं अब यहाँ देखिए तवा मैंने लो फ्लेम पर गरम कर लिया है और इसमें डाला है एक चम्मच तेल तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको इस्तेमाल करना हो मैंने हल्का ही तेल लगाया है इसके ऊपर ज़्यादा तेल मैंने नहीं लगाया है और तो अच्छे से तवे के ऊपर फैला लेंगे फ्लेम को यहाँ लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे तो बस इसे चम्मच से इस तरीके से डाल दें और चम्मच से फैला दें जितना बड़ा या जितना मोटा जितना पतला आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं और इसे हम ढक के रख देंगे क्योंकि सब्जियां हैं वो भी गल जाएंगी और जो बेसन है वो भी अच्छे से पकेगा तभी ये खाने में भी अच्छा लगेगा और इसे आप भारी तवे पे थोड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से सिक के और बने जल्दी बनेगा क्योंकि हल्के तवे पर जल्दी से जलने लगता है और सिक भी नहीं पाता है और ढक देते हैं और छोड़ देते हैं अब यहाँ देखिए एक साइड से सीख चुका है कितने अच्छे से पक चुका है तकरीबन मैंने दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाया है छुटाया तो देखिए आसानी से छुट भी गया है इस पे डालते हैं तेल थोड़ा सा ऊपर से भी लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे से सीखेगा ना ये और इस तरीके से फिर दोबारा ढक देंगे और इसे फिर से पकने देंगे अब यहाँ देखिए एक से डेढ़ मिनट फिर हो चुका है दूसरी साइड से पकते हुए और इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से इसे सेक लें जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता दोनों तरफ से सीख नहीं जाता तब तक हम इसे सेकेंगे और इसकी साइड चेंज करते हैं और देखते हैं देखिए कितने अच्छे से दूसरी तरफ से भी सीख चुका है इसी तरीके से जो चीले हैं हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और लीजिए हमारा गर्मा गर्म से यहाँ चीले जो है तैयार हो चुके हैं इस तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी साथ में चाय और चटनी भी है इंजॉय करें और आप इसे दही से खाएं या चाय से खाएं आप अपनी मनपसंद चीज़ से इसे खा सकते हैं इन्जॉय कर सकते हैं मेरी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर दबाएं मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया